स्नेहा, तुम उन लोगों में से हो जो शहर को छोड़कर गांव की तरफ लौट आए। तुम्हारी बात अलग है। पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारे अंदर एक सिद्ध है, बचपना है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझ सकता हूं। तुम वाकई में सबसे अलग हो स्नेहा। ना तो तुम कुछ पाना चाहती हो, ना ही कुछ हासिल करना चाहती। तुम अपने स्वार्थों से ऊपर उठ चुकी हो स्नेहा, लेकिन हर किसी में तुम्हारे जैसी हिम्मत नहीं होती। कभी मैं बंद मुट्ठी, कभी मैं खुली हथेली, कभी मैं सुलझी सुलझी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कभी मैं इसी विश्वास के सहारे मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर आज यहाँ हूँ। आसान नहीं था ये सफ़र मेरे लिए, मुंबई के एक बड़े अस्पताल की प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ प्रतापपुर में बसने का फैसला। मुझे कुछ जीतना नहीं था, कुछ हासिल नहीं करना था, मुझे कुछ पाना था। वो था सुकून। और सुकून क्या होता है उसका अर्थ मैंने तब जाना जब प्रतापपुर के चैरिटी अस्पताल मानवता में कदम रखा। वो कदम किन हालात में रखा गया था आज भी सोचकर कदम कांपने लगते हैं। मैं छुट्टियों में मुंबई से प्रतापपुर आई थी और यहाँ मेरी बहन के साथ ये हादसा हो गया। उसके ससुराल वालों को बेटे की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के जाल में उन्होंने सीमा की जिंदगी छीन ली। यहाँ माथुर परिवार शोक में डूबा हुआ था, वहाँ प्रतापपुर मुश्किलों से जूझ रहा था। वो गर्भवती है, ऐसी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस उम्र में उसका शरीर ये सब झेलने के लायक नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची, शादीशुदा और गर्भवती, ये तो यहाँ के लिए आम बात है। बचपन में ही पैदा होते ही इनके माता पिता इनके रिश्ता तय कर देते हैं और 9-10 साल में ब्याह। कौन सी सदी में जी रहे हैं लोग। प्रतापपुर में अपने चारों तरफ ये सब देखकर मन कई सवाल करने लगा जिनका जवाब मेरे पास नहीं था। मानवता अस्पताल को तुम्हारी जरूरत है डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर सुमित मुझसे प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों के अलग विचारों ने हमें हमेशा दूर ही बनाए रखा। मेरे मन के नजदीक सिर्फ अर्जुन था। मुंबई में हमारी दोस्ती हुई थी। अर्जुन एक होनहार वकील था। अर्जुन चाहता था कि मैं जल्द से जल्द उससे शादी कर लूं। सल्ला देवी पर हमला हुआ है, मानवता अस्पताल लेकर गए उन्हें। सरला देवी पर हमला हुआ था, यह हमला सिर्फ उन पर नहीं था, पूरी मंडली पर था जो गाना गाकर समाज की बुराइयों का बहिष्कार करती थी। लाचार के शरीर में बल नहीं होता, उसकी चीख सीना चीर देती है।
मैं मानवता के सिद्धांतों और उसूलों को मानती हूँ, पर अब मुझे इसके दायरे से बाहर निकलना होगा। लोगों के आंसू पोंछने हो, हर घाव पर मरहम लगाना होगा, समाज की हर बुराई का सामना करना होगा। अब हमारी मंजिलें, हमारे रास्ते, हमारी दिशाएं सब अलग हैं। मैं मानवता जरूर छोड़ रही हूँ, पर मुंबई वापस नहीं लौट रही। ये एक छोटे से गांव की तरह है बेटे। हर गांव का रास्ता तो शहर की तरफ जाता है, तो फिर हर शहर का रास्ता लौटकर गांव तक क्यों नहीं आ पाता? मैंने तय कर लिया, मैं प्रतापपुर के आसपास से गांव और कस्बों में जाऊंगी, जहां रास्ते तक नहीं बने, हम जैसे डॉक्टर जहां तक कभी पहुंचे ही नहीं। मैं वहां जाना चाहती हूँ सर। बीमारी से बड़ी लड़ाई थी मानसिकता से लड़ना। लोग बाबा पहलवान जैसे नकली डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते थे। क्या समस्या है? बच्चा नहीं हो रहा? ये लो, दूध के साथ सुबह शाम बाबा का आशीर्वाद लो, जल्दी गर्भ धारण करोगी। डॉक्टर के पास जाना चाहते थे पर हमें मना कर दिया गया। घर वाले हमें बाबा पहलवान के पास लेकर गए थे, उसने मेरा बच्चा। प्रतापपुर के मानवता हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट आई, एक औरत का गलत तरीके से गर्भपात कराया गया है। मानवता हॉस्पिटल वालों ने आपकी तरफ उंगली उठाई ना तो उस पर चाकू चलेगा। अरे रिपोर्ट तो मुझे ही बनानी है ना बाबा। जो मानवता हॉस्पिटल है ना, ये हमारे गले की हड्डी बन रहा है। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मेरा बेड़ा गर्क करने के चक्कर में लगे हुए हैं। स्नेहा माथुर डॉक्टर ने नेता बन रही है सर। जुबान चलाई ना तो उठा के बाहर फेंक देंगे सब्जी। एसपी साहब ने राखी के केस की पूरी जांच की और चार्जशीट ऐसी पक्की बनाई कि बाबा पहलवान को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया गया। शेर की तरह दहाड़ते थे बाहर, गीदड़ की तरह बैठे हुए यहाँ और बकरी की तरह मिमिया रहे हो। देखिए आप मेरे खून मत खुलाइए एसपी, जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो देखना तुम्हारे जैसे को हजारों को खरीद कर फेंक देगा ये बाबा पहलवान, समझे? देश को बदलना है तो मर्द को बदलना होगा। जब मर्द बदलेगा तो ही औरत की अहमियत को समझेगा। जब भी कोई एक नई सोच लेकर आता है तो वह भविष्य को चुनौती देता है। प्रतापपुर का हर दिन मेरे लिए नई उम्मीदों से भरा था, नई चुनौतियों से जैसे मेरी दोस्ती हो गई थी। हरा रंग किस चीज का प्रतीक होता है? मैं बताऊं दीदी, देश पर सुहागिन हरी चूड़ियां सुहाग की लंबी उम्र के लिए पहनती हैं। बिल्कुल सही, हरा रंग स्वास्थ्य का प्रतीक होता है और इसीलिए आप सबको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे परिवार का ख्याल भी आप लोग ही रखती हैं, है ना? ये क्लिनिक महिलाओं की है, उनके लिए है, उनके द्वारा है। हम चाहते हैं कि हमारे हर गांव में इस तरीके की क्लिनिक हो। महिलाओं की स्वास्थ्य का विचार हमारे सामाजिक सोच में सबसे ऊपर हो। प्रतापपुर एक आईना है हमारे देश के हर छोटे शहर और गांव का। यहाँ बदलाव अपनी रफ्तार से ही सही पर आ तो रहा है। मेरा प्रतापपुर बदल रहा था, मेरी मर्जी का दिन प्रतापपुर में जोर शोर से मनाया गया। इस दिन औरतें अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, सिनेमा देखेंगी और मर्द घर संभालेंगे, बच्चों की देखरेख करेंगे, खाना पकाएंगे। ये बदलाव ही तो था जब हर औरत को एक दिन खुद की मर्जी का मिला। हर सोच एक बीज की तरह होती है, जिसे अगर धूप और पानी ना मिले तो वो बढ़ नहीं पाएगी। इस सोच को भी धूप और पानी दिया आप सब लोगों ने। अब एक सोच और है जिसे हम सबको मिलकर
सींचना है, बढ़ाना है। नारी अदालत, नारी अदालत में हम औरतों के घरेलू झगड़े झंझटों को मिलजुल कर साझेदारी से सुलझाएंगे। हमारे देश में मुकदमे सालों तक चलते हैं और एक लंबे अरसे के बाद फैसला सुनाया जाता है। वक्त गुजर जाए तो वो महज फैसला ही बनकर रह जाता है, न्याय नहीं मिलता। डॉक्टर स्नेहा ने नारी अदालत की शुरुआत क्या की, मानो एक छोटी सी क्रांति ही आ गई। घरेलू हिंसा हो या औरतों पर हो रहे जुल्म, बेटियों की शिक्षा या स्वच्छता, ऐसे सभी मुद्दों पर यहाँ तुरंत फैसला सुनाया जाता है। अब 2 महीने रमा देवी घर से बाहर काम करेंगी और आप जाएंगे मानवता अस्पताल के नशा मुक्ति शिविर में। ये घरेलू हिंसा है, अपराध है। घर की औरत की सोच अगर ऐसी होगी तो उसके बच्चों की सोच भी तो ऐसी होगी। देखिए, हम इस अदालत में सजा देना नहीं चाहते, यहाँ से एक सुधार लाना चाहते हैं, परिवार को जोड़ना चाहते हैं, समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं। और धीरे धीरे मैं से हम हो गए। अब हम कुछ भी कर सकते थे, हर मुश्किल से लड़ सकते थे। अरे आप लोग फिर से तमाशा बना रहे? अरे मेरे बीवी को मार खाने से कोई आपत्ति नहीं तो आप लोग काहे नौटंकी बना रहे? अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। पहली बार लड़कियों की फुटबॉल टीम बनी। हम जब साथ हो तो हर जंग में जीत बढ़ सकते हैं। हम जब साथ हो तो लहरों में गीत बढ़ सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियों का फुटबॉल खेलना अपने आप में एक नई शुरुआत थी, लेकिन कुछ लड़कों ने उन्हें तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया। तमाती हुई लड़की को ना मचलती हुई मछली की जैसे काबू में करने का मजा ही कुछ और है। अभी तो चुन्नी ली है, एक दिन तुम्हें भी उड़ा कर ले जाएंगे, समझी? अरे अब जमाना बदल गया, हनीमून मनाते हैं, क्या बोलती हो? इस उम्र में गुस्सा और उत्तेजना इतनी तेज होती है कि कोई भी हद पार कर सकता है, कोई भी हद। हमारी जिंदगी में सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा हादसा हुआ प्रीता के साथ। प्रीता पर किसी ने तेजाब फेंक दिया बेटा। हिम्मत ही वो ताकत है जिसके सहारे इंसान समंदर की हर विपरीत लहर को बिना झुके पार कर सकता है।
तेजाब मेरे शरीर को जला सकता है, मेरे सपनों को नहीं। प्रीता के पास भी वही ताकत है, हिम्मत, जिसके सहारे आज वो फिर से मैदान में खड़ी है, खेलने के लिए, जीतने के लिए। फिर आगे जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लड़के और लड़कियों की मिली जुली फुटबॉल टीम, दिन अचानक विक्रम मेरी क्लिनिक पर आ पहुंचा, मंत्री जी का बेटा। विक्रम अमेरिका में पढ़ रहा था। मैं आई कम इन मैम। मेरी पढ़ाई खासकर युवा यानी किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर है। मैं मानवता में रहकर उनके साथ काम करना चाहता हूँ। लड़कियों की इज्जत करना, उनको समझना, उनको समान रूप से भागीदारी देना, मन के भीतर छुपे अंत द्वंद, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष, ये कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हर देश, हर राज्य, हर शहर और हर गांव के किशोर किशोरियां जूझ रहे हैं। वो लोग एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से वो या तो टूट सकते हैं या मजबूत बन सकते हैं। किशोर का शोर, ये है हमारा नया गेम शो, जहां हम किशोर किशोरियां मिलकर हमारी बातों को सामने रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, शर्माएंगे नहीं, समझेंगे और समझाएंगे। अभी आप लोग जिस उम्र में हैं, इस समय आपका शरीर बदल रहा होता है। लड़कियों के शरीर को भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि लड़कों के शरीर को। बिना सुरक्षा के शारीरिक संबंध करने से कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा है। जब तक नहीं होगा किशोर का शोर, तो कैसे होगा उन पर गौर। सांझ हो या भोर, अब कोने कोने में गूंजेगा किशोर। हर गांव का रास्ता शहर तक जाता है, फिर शहर का रास्ता गांव तक क्यों नहीं आता। मुंबई से प्रतापपुर लौटते वक्त यही ख्याल डॉक्टर स्नेहा के मन में आया था। इस ख्याल ने डॉक्टर स्नेहा के साथ साथ पूरे प्रतापपुर को बदल दिया। आज डॉक्टर स्नेहा एक कदम और आगे बढ़ाना चाहती है, साथिया यानी किशोर किशोरियों की एक फौज तैयार करना चाहती है जो अपने हम उम्र लड़के लड़कियों से उनके मन की बात कर सके। पंछी की तरह थे, उड़ने को तैयार, एक नया सफर, नए रास्ते, नई मंजिल। किशोर और किशोरियों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उनको लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग अपने आप में से एक किशोर और एक किशोरी को चुनेंगे, जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे, और फिर वो बन जाएंगे आप सबके साथिया। इस साथिया से आप खुलकर अपने दिल की बात कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि साथिया सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत है। एक साथिया की जिम्मेदारी
किशोर किशोरियों में आ रहे शारीरिक बदलाव, शारीरिक स्वास्थ्य और खुशहाली, मानसिक स्वास्थ्य, गुप्त अंग और गुप्त रोगों की जानकारी, हिंसा के खिलाफ आवाज, अपने अधिकारों का परिचय और इस तरह की जरूरी बातों को लेकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। इस पूरे सफर में अर्जुन मेरे साथ ना रहकर भी मेरे साथ था। सेठी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक मिस्टर सेठी और मिनिस्टर के सेक्रेटरी मिस्टर पीएन शुक्ला दोनों पुलिस हिरासत में, और मैंने इन दोनों के खिलाफ केस लड़ने का फैसला लिया है। अर्जुन अपने सबसे पुराने क्लाइंट के सामने खड़ा हुआ, यह आसान नहीं था। अर्जुन मेरा साथ देना चाहता था, सच्चाई का। हालात बदल गए, हमारा रिश्ता बदल गया, तुम बदल गई स्नेहा, तो क्या मैं नहीं बदल सकता? वो आज एक बार फिर से मेरे सामने था। मेरी डायरी का आखिरी पन्ना खाली है अर्जुन, उस आखिरी पन्ने को मायूस नहीं कर सकती। मुझे भी तुम्हारी कमी उतनी ही महसूस होती है जितनी तुमको मेरी। Thank you.